गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार का सर्वोपरि धर्म, संसार का सर्वोपरि धर्म त्याग है। सर्वोपरि धर्म कहा है मैंने, त्याग है। अब दूसरी बात कहता हूं, जीवन मुक्ति किससे मिले? त्याग ही जीवन मुक्ति का साधन है। त्याग से ही आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए। अगर उसको आप सच्चाई से देखेंगे तो सबके पीछे उनका त्याग रहा है। सारी सृष्टि का क्रम, पूरी धरती सृष्टि सब कुछ चल रही है, उसका केवल एक ही आधार है, त्याग। बताओ कौन किससे मांग रहा है? हाथ कमाता है पर ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सब कुछ समेट करके अपने पास रख लेता ना। कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता है। उसको ये करूंगा, जो ज्ञान है वो कहता है कमा करके उसका वे करूंगा, इसका ये करूंगा, सबका करता है। और कमा करके अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुंह को देता है। मुंह अपना सुख उसमें मिलाता है, मुंह भी त्याग करता है, अपना सुख उसमें मिलाता है और पेट को दे देता है। पेट भी अपना सुख उसमें लगाता है, उसको फिर से चबाता है, पीसता है, पीसता है, पीसता है। ये कह दूं, सब त्याग करते जाते हैं, सब त्याग करते जाते हैं, तब ये शरीर चलता है। ये धरती का अमोद विधान है, जो प्राप्त है उसे छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। वो तुमने प्राप्त किया है, तुम्हारा नहीं है। तुमने प्राप्त किया है, तुम्हारा नहीं है, इसलिए आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। त्याग का मंत्र संसार और यहां के पदार्थों को नित्य निरंतर विकास की ओर परिवर्तन करने के लिए अग्रसर कर रहा है, सबको प्रेरित कर रहा है। आगे बढ़ो और लाओ, और आगे बढ़ो और लाओ, और आगे बढ़ो। परंतु जहां बटोरने वाली बात आ गई वहीं विकास रुक गया। जहां पर बटोरने वाली बात आ गई वहीं पर विकास का क्रम रुक गया। विकास का क्रम अगर आगे चलेगा, जितना उसमें त्याग, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, परंतु त्याग के लिए, त्याग के लिए। परिवर्तन ही आपको अग्रसर करता है, और कोई नहीं। परिवर्तन ही आपको अग्रसर करता है। इसी से प्रेरित होकर के संसार का प्रत्येक पदार्थ पग पग पर त्याग का नैवेद्य, मिठास चढ़ाता है भगवान को, अपने अपनी चेतना को चढ़ाता है। उसी से उसका विकास पथ आगे की तरफ खुलता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी तक भी किसी ना किसी रूप में संसार की यज्ञशाला में अपने त्याग की आहुति को दे रहे हैं। सोचो जो कहा जा रहा है,
मैं ये बार बार कह रहा, मेरी ये अंदर की एक जिज्ञासा है। इतना बड़ा हमारा परिवार है, मैं फिर से कहता हूं, हाथ को कमाने में रस आता है, मुंह को खाने में रस आता है, पेट को पचाने में रस आता है, और ये कहूं संपूर्ण जीवन को देकर के आत्मा को रस आता है। तो इस दुनिया में रस ही रस है। जो नैवेद्य वाली बात मैंने कहा वो हर जगह है, अपने प्रभु के चरणों में वो समर्पित करता है। त्याग वो यज्ञ है, ये संसार यज्ञशाला है जिसमें त्याग की वो आहुति देता है। आप सच्चाई को देखिए, नदी, सरोवर, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ गति कर रहे हैं, परंतु जो जहां है वहीं पर है, अपनी गति कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं? अपने गुणों से कर रहे हैं, अपनी आहुति दे रहे हैं इस संसार को, इस संसार के संतुलन को बनाते हैं। नदी जहां है वहीं बहती रहती है, वो उठ के कहीं इधर उधर नहीं जाती है, जहां है वहीं पर बहती रहती है। सरोवर जहां है वहीं पर रहता है, सब जहां है वहीं पर रहते हैं, परंतु त्याग में जीवन को जीते हैं। आपके शरीर में नई नई सेल बनते रहते हैं, पर जितने बनते हैं उतने छूटते भी रहते हैं। त्याग में जीवन की बात कह रहा हूं। अरे पुराने को छोड़ते हो तभी तो नया लेते हो, ये त्याग की बात मैं आपसे कर रहा हूं। पुराने को छोड़ते हो तो नया मिलता है। आज खाना खाया, कल का खाना आज सुबह लैट्रिन से निकल गया, नया ताजा खाने की इच्छा फिर से जागृत हो रही है और खाएंगे खाएंगे। नवीनता आ रही है, नवीनता आ रही है। जैसे नदी एक जगह स्थिर है, मैं भी एक जगह स्थिर हूं, परंतु त्याग में जीवन को जी करके उस नवीनता को हासिल करता हुआ चला जा रहा हूं। आप सच्चाई को देखिए, संसार का नियम है त्याग, त्याग के आधार पर ही संसार टिका है। ये धरती अधर में टिकी हुई है त्याग के आधार पर। इस नियम को जीवन का जो अंग बना लेगा, जीवन पथ पर चलते रहने का संकल्प लेकर के चलेगा, मनुष्य का कल्याण जिसकी कहिए गति में निहित होगा, लेने देने पाने छोड़ने, ये तो विश्व का नियम है। आत्मसात करना, आप त्यागते हो, जो आप त्यागते हो वो किसी का जीवन बनता है, जीवन का साधन बनता है। इसी पर ये सारी दुनिया टिकी हुई है। मनुष्य सृष्टि के स्वरों में आवाज मिलाकर नहीं गाता, उसका जीवन बेसुरा हो जाता है। मैंने गीता प्रेस द्वारा लिखित गरुड़ पुराण को कई जगह पर किया है। उसमें यम के दरबार का वर्णन आया है, जिसमें यमराज के बहुत सारे दरबारी हैं, एक से एक महान वीर महारथी, मैंने उसको कथा के रूप में नहीं पढ़ा, अंदर की जिज्ञासा जागृत हुई, रस पीने का मन हुआ,
तो गहराई में जाकर के पता लगा, समझ आया, यम के जो दूत हैं वो काली छायाएं हैं, जिसको माया भी कह सकते हैं। बहुत गहराई में उतरने के बाद एक चीज पता लगी, कि वो सारी बीमारी है, वो सारी की सारी बीमारियां हैं जो इस शरीर को, मन को, भावना को लगती हैं। व्यक्ति का जीवन स्वार्थी हो जाता है, त्याग में नहीं रह जाता, स्वार्थी हो जाता है। और त्याग में ना रहने के कारण जीवन उन कमजोरियों में फंसता हुआ चला जाता है। प्रकृति के साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, इसको मजबूरी मत करना, आवश्यकता कहना। ये मजबूरी नहीं है, आवश्यकता है, घोर आवश्यकता है। आपको संतुलन बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। जितना लिया जाए उतना दिया भी जाए, उसकी कीमत चुकाई जाए। प्रकृति का तो नियम एक है, वो एक लेती है सैकड़ों गुना लुटाती है। एक दाना जमीन को दिया जाता है, सैकड़ों दाने वापसी करती है। मैं फिर से कहता हूं, इस लेन देन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बस एक सच्चाई को समझिए, एक साधन पुण्य में लगा तो वो पवित्र बना। गंगा पवित्र है, उसे गंगा में नहलाया तो क्या साधन पवित्र हो गया? पवित्र कर्म के करने से ही साधन पवित्र होता है, अर्थात हमारी साधना तभी पवित्र होती है जब हम त्याग में जीवन को जीते हैं। त्याग से परिपूर्ण जीवन को हम जीते हैं। सामंजस्य अगर स्थापित नहीं कर सके तो विषम स्थिति उतनी ही पैदा हो जाएगी जितने सामंजस्य की आपके अंदर कमी है। प्रकृति चाहती है कि आप लौट करके अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हों। सृष्टि के नियम के साथ की जाने वाली असंगता वो ही हमारे लिए, हमारे जीवन में बाधा बन करके आती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कोई काम ऐसा ना किया जाए जो स्वार्थवश किया जाए। कई दिनों से, काफी दिनों से परमार्थ की बात पर जोर देता चला जा रहा हूं। अगर आपको अपने जीवन को पवित्र बनाना है, भाई मेरा अपना ये विचार है, धन के आधार पर पूरी संसार की सरकारें चल रही हैं। ईमानदारी से बताओ, एक परिवार में कितना धन रोज खर्च हो जाता है उस परिवार को चलाने में? जहां अरबों व्यक्ति इस दुनिया के अंदर हैं, पूरी दुनिया को चलाने में कितना प्रकृति का साधन उसमें लगता होगा? गणित के आंकड़ों से उनको नापा नहीं जा सकता, परंतु आदमी का उद्धार नहीं हो रहा, परिवार का उद्धार नहीं हो रहा, समाज का उद्धार नहीं हो रहा।
अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आप हम सब मिलकर के स्वार्थ को छोड़ करके संतुलन बनाने के लिए कुछ ऐसा काम करें कि व्यक्ति का उद्धार हो, पैसे से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, नहीं। मैंने अभी कहा नैवेद्य अगर भगवान के चरणों में आपको चढ़ाना है, जो प्रेरित होकर के संसार से प्रेरित होकर के संसार के दुखों को समझ करके प्रेरित होकर के जो आप नैवेद्य को चढ़ाते हैं, त्याग का नैवेद्य आप चढ़ाते हैं, वो भगवान के चरणों में जाकर के चढ़ता है। वरना समझ लेना भगवान को जो मर्जी चढ़ा दो वो वहीं पड़ा रहता है। जो समाज के काम आ गया, समाज में जाकर के खप गया, वो भगवान को चला गया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में भगवान है। इस दुनिया में शीलता के गुण, सज्जनता के गुण, आदर्श के गुण, मर्यादाओं के गुण, उनको हमको खड़ा करना पड़ेगा। आज कोई आदर्श नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई आदमी का कोई वजूद नहीं रह गया। हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा है, ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ये संसार का नियम कहता है। जो प्राप्त किया है उसका त्याग करो, नवीन को वरण करो। तो इन विरोधी प्रणालियों में से मनुष्य के जीवन का संघर्ष का केंद्र बन जाएगा और मनुष्य सीमित सत्ता, दूसरी अमोद विश्व सत्ता के साथ, अनंत सत्ता के साथ जुड़ती चली जाएगी। जो कमी आई वो परास्त होगी और उसकी जगह पर वो जो अच्छाई व्यक्ति के अंदर है त्याग की, वो क्रियाशील और जागृत होगी। सच को बताओ, कौन गैर है, कौन पराया है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है? सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं? कोई व्यक्ति अच्छा है तो उतना ही अच्छा है जितना वो त्याग करता है, कोई व्यक्ति बुरा है तो वो इसलिए बुरा है कि वो स्वार्थी है। ये इसके मूल आधार हैं, ठोस आधार हैं। अपने पन की सीमा को संजोइए, अपने पन की सीमा को संजोइए, सबको अपना बनाइए, सबके दुखों को हरिए। परंतु मैं ये कह रहा हूं, जो हमारा देव परिवार है उसको कम से कम उसको सुसंस्कृत बनाइए। अगर हम सब मिलकर के भलाई के लिए प्रयत्नशील हो गए, क्रियाशील हो गए, तो हमारा ही परिवार इतनी बड़ी शक्ति और संगठन बनकर के खड़ा हो जाएगा। जिसे चाहा उसे ही ठीक कर दोगे, ये अपनेपन की सीमा से बाहर निकालिए, अपनेपन की उसको अपनत्व में लेकर के आइए, प्यार करिए, आत्मा से प्यार करिए। जिसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता उसे भी मजबूर होकर के छोड़ना पड़ता है। किसके पास टिका है ऐश्वर्य, किसके पास टिका है धन दौलत, किसके पास टिकी है समृद्धि और किसके पास टिकी है स्त्री बेटे संबंधी, किसके पास टिके हैं? सच को जान लेना, जो छुपा हुआ है वो ये है, भगवान के अलावा कोई मेरा नहीं है।
इसलिए हमें उनमें बेटे पोते भाई पत्नी सब में भगवान को पैदा करना है, अर्थात त्याग को पैदा करना है। ये देह जिसे अपनी मान करके चला जा रहा है, सब जानते हैं एक दिन वो भी छूट जाएगी। विश्व का नियम है मृत्यु। भगवान स्तर की भी अवतार इस दुनिया में हुए हैं, उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव भी हुए हैं, उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। ये सब मृत्यु के द्वारा सब कुछ छीन लिया जाता है। प्राप्त का त्याग लेकर देने का नियम, त्याग का विधान, अपार शक्ति है उसकी। किन शब्दों में मैं आपको कहूं कि कुछ करें, आओ मिलकर के कुछ करें। गंगा विहार में मैं कह करके अब कल गया था, आया हूं, सबसे निवेदन करके आया हूं कुछ करने का। अभी रविवार को, जो आने वाला रविवार है, परसों फिर गंगा विहार और नेहरू विहार दोनों जगह जाऊंगा। झोली फैला करके मांग रहा हूं। जिनके साथ आपका मोह है उनके लिए तो आसमान से तारे तोड़ करके भी लाने के लिए आप तैयार हैं। मोह की जगह त्याग नहीं पैदा करना क्या? अगर आपका बच्चा दुखी है और हम पूरा देव परिवार उसके लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए उसके दुख को अपने ऊपर लेते हैं, याद रखना एक भी दुखी नहीं मिलेगा। सबको सुखी करना है, सबको समृद्ध करना है, सबको शक्तिशाली बनाना है। ये बात अलग है कि मनुष्य इसे कैसे अपनाता है। मैंने कहा था कल गंगा विहार में, बोला था, माँ जब बच्चे को दवाई देती है, दवाई कड़वी होती है तो बच्चा उसको लेना नहीं चाहता, तो माँ उसकी छाती पर चढ़ जाती है, नाक दबा लेती है, मुंह खोलना ही पड़ता है। आप स्वेच्छा से करेंगे या परबस होकर के करेंगे? करना तो पड़ेगा। इतना जरूर है कि स्वेच्छा से किया हुआ त्याग कहलाता है। मनुष्य को संतोष शांति प्रदान करता है। जो परबस मजबूर करके कराया जाता है, उस त्याग में दुख क्लांति क्लेश का अनुभव होता है। वो चीज बहुत देर के बाद समझ आती है, बहुत समय निकल चुका होता है। इसलिए कुछ ना कुछ किया जाए। वेद में कहा गया है, तेन तक्तेन भुजित्या, अर्थात हे मनुष्य, तेरे पास जो कुछ भी है उसका त्याग करते रहना। जो सहज प्राप्त है उसी को लेकर संतुष्ट रहना। संग्रह मत करना, लोभ मत जगाना। लोभ मत जगाना, स्वार्थ की पूर्ति मत करना। हां, विश्व के नियम में स्वरों में स्वर मिला करके जीवन के गीत को गाना, आपस में मिलकर के जीवन के गीत को गाना,
कल मैं गया था साहिबाबाद, वहां से एक त्यागी परिवार में मैं गया था। उस परिवार को मैं यही पाठ सिखा रहा था, अगर एक स्वर में मिलकर के सब मिलकर के गाओगे तो आनंद अलग ही आएगा, क्योंकि परिवार में लगाव होता है, अपनापन होता है। सोचो उसी परिवार में, जिस त्यागी परिवार की बात मैं कर रहा हूं, अगर सब अपने आप को अहंकारी घोषित करेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे, तो परिवार रूपी संस्था कमजोर हो जाएगी। अगर परिवार को मजबूत बनाना है, आप में कोई ताकत है तो दो अपनी ताकत, उसको साथ दो उसका। अरे किसी को कमजोर मत करो। आज क्या हो रहा है, त्याग में जीवन नहीं हो रहा, आदमी आदमी को कमजोर कर रहा है। अरे बाहर का नहीं, परिवार का, परिवार में ही कमजोर कर रहा है। हमने अपने मनोरंजन के साधन बना लिए हैं, उनमें सुख ले रहे हैं, कुत्ते की हड्डी चबा रहे हैं। कुत्ते की जो हड्डी का उदाहरण दिया जाता है, सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता है, अपनी दाढ़ में से खून निकलता है और अपने खून को पी करके कहता हड्डी में से निकल रहा है। सुख का साधन आपस का मेल मिलाप के साथ रहा हुआ जीवन कहलाता है। जिन सुखों को आप कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं, परायेपन में त्याग नहीं होता ना, जहां परायापन है वहां त्याग नहीं होता, अपने पन में त्याग होता है। मैं सबको, मेरा जो देव परिवार है उस सबको कह रहा हूं, कोई आपका साथ दे ना दे, मैं आपका साथ दूंगा। लाओ अपनी खूबी, जो बोल रहा हूं वो प्राण प्रण से बोल रहा हूं, मेरे पास कोई विशेषता नहीं है और आपके पास विशेषता है। याद रखना, सबके पास अपनी अपनी विशेषता है, तो मैं आपकी विशेषता में अपना साथ दूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। आदमी अंदर से महसूस करता है, आदमी अंदर से महसूस करता है कि मैं इतना समर्थ हूं। अपनी सामर्थ को दूसरों को दीजिए, जिसके सहारे वो खड़े हो सकें। मैं कई बार कह भी चुका हूं, मुझे प्रेरित कौन करेगा, मैं छलांग लगाऊं, मुझे प्रेरित कौन करेगा। आप गुरुजी प्रणाम तो लिख देते हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं, परंतु वो दिशा जिसमें हमारा ये प्रवचन जा रहा है, उस दिशा में आओ ना, उस दिशा में चलो ना, उस दिशा में लिखो ना। इस पर जो आप लिखते हैं वो सब पढ़ते हैं, गुप्ता जी अभी लिख रहे हैं, सुबह मुंह निराहार, मुंह गर्म पानी चाय की तरह धीरे धीरे पी करके अनेक रोगों को लाभकारी बनाया जा सकता है। और मैंने कहा, भगवान के पास अगर दंड देने का कोई साधन है तो रोग है, उसको रोग लगा देता है, जो हर वक्त उसके साथ लगा रहता है। हमारा काम कोई डॉक्टर का काम थोड़े ही है, अरे हमारा काम तो है विचारों में पवित्रता को लेकर के आना, जीवन को आदर्शों के साथ बांधना। पर बांधे किसका, कचूमर तो बीमारी ने निकाल रखा है।
इसलिए मजबूर होकर के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ा। मजबूर मत करो, साथ दो, साथ दो, त्याग करो, त्याग करो, जो तो अच्छा ही तुम्हारे पास है, जो भी अच्छाई तुम्हारे पास है हम उसमें साथ तुम्हारा देंगे। तुम क्यों सोचते हो इस बात को कि हम लेने के लिए हैं? यहां कोई लेना नहीं चाहेगा, मैं पूरे संपूर्ण परिवार को कह रहा हूं, लेना नहीं साथ देने की बात करें। अभी रीता लिख रही है, सब लिखिए अपनी अपनी बात, हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे बदलाव लाने के लिए, कुछ करेंगे व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज। व्यक्ति का परिवर्तन धरती पर स्वर्ग का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना है। वो महान सत्ता हम सबके साथ है, हम सबका भला होगा, भले की बात करें, परिवर्तन की बात करें। कमाना खाना फिर कमाना खाना, रात दिन सो जाना, ये सब करना, एक ढर्रे की जिंदगी को जिया जा रहा है जिसमें जाकर के हम जड़ता को प्राप्त हो गए। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा सरोवर वहीं रहता है, नदी वहीं रहती है, पर नदी अपना कितना जल अपने ऊपर से रोज बहा देती है आगे के लिए। जैसे हाथ से कितना कमाया, मुंह को कितना दिया, अगर जोड़ करके रखा होता तो कपड़े रोटी इन सब से कमरे के कमरे घर छोटे पड़ गए होते, इतना हम खत्म कर चुके हैं। सच्चाई के लिए समर्पण चाहिए, सच्चाई के लिए समर्पण चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, मेरे पैर छू लेने से आपका भला नहीं होगा, मैं छुआने के लिए मना नहीं कभी किसी को करता हूं। कल मैं गंगा विहार गया, एक बिटिया जो मुझे एकांत में ले जाकर के मुझे भगवान की तरह मान रही थी, मैं जाकर के बैठा, बगैर किसी के उसने शर्म किए हुए जाकर के मेरा पैर दबाने लग गई। मैंने इसको कहा अपने मनी मन कर लेने दीजिए इसको अपनी इच्छा पूरी, अरे हरेक की भावना है, श्रद्धा है, मन खराब नहीं होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। हमारी दृष्टि खराब हो गई है, हमारा मन खराब हो गया है, हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, ये परायापन है। अगर कोई खराब भी है तो अपनी अच्छाई से उसको अच्छा बनाओ। क्या व्यक्ति, मैंने कल भी बोला था, गंगा विहारी कल एक बात बोली थी, परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख में लिखा है, व्यक्ति के अंदर 70% अच्छाई होती है और 30% बुराई होती है। पर जब बुराई की चर्चा शुरू हो जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। आज एक बिटिया से भी मैं बात करूंगा, बड़ी लाडली बेटी है मेरी, वो भी यही गलती करती है, वो बुराई को तो पकड़ती है अच्छाई को नहीं लेती, अभी लाइन पे है, बुराई को तो पकड़ती है अच्छाई को नहीं लेती। इतनी अच्छी बेटी है वो, मैं सपने देखा करता था वो क्या से क्या इसको बनाऊंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं हम किसी को दुख देने के लिए नहीं आए हैं, सबके दुखों को हरने के लिए आए हैं। हम में इतना मादा होना चाहिए कि जिसके पास जो भी है लाओ देव, लाओ देव, त्याग में जीवन, त्याग में जीवन, त्याग में जीवन। मेरा सपना है सब मिलकर के आओ गीत गाएंगे,
जिसमें मुक्ति हो, जिसमें उल्लास हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो। वो गीत हम गाएं जिसकी स्वर लहरियां यहां से गूंजे और अंतरिक्ष गूंज उठे, अंतरिक्ष गूंज उठे, परमात्मा भी हिल जाए, हम सबके त्याग और समर्पण से ईश्वरीय सत्ता भी पसीना पसीना हो जाए। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ना 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 ना, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने ही कल वहां पर घोषणा की थी कि अब तुम नहीं चलोगे, मैं चलाऊंगा, जो नहीं चलेगा उसको देखूंगा, जो नहीं चलेगा उसको देखूंगा, जबरदस्ती चलाएंगे। निर्माण तो करना है ना, बर्बाद करना है किसी को? जो भाग रहा है, अकेले की तरफ भाग रहा है, उसको बर्बाद हो जाने दे क्या? अकेला नहीं चलने देंगे, सब मिलकर के चलेंगे, रोएंगे, गाएंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे वो मिलकर के करेंगे। जिस तरह समाज के नियमों के अनुसार चलते रहने पर व्यक्ति अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है, उसी प्रकार विश्व के नियम को, परमात्मा के नियम को, प्रकृति के नियम को अपना करके उसके अनुकूल चले, स्वाभाविक अधिकारों को सबको समर्पित करे, उसका पात्र बने। समाज के नियम का उल्लंघन करने की जिस तरह से कोई चेष्टा नहीं करता है, पता है समाज निंदा करेगा, भर्त्सना करेगा, राजदंड मिलेगा, यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, उसी तरह विश्व नियम के विरुद्ध चलने पर मनुष्य अपने आप ही बंधन को पकड़ता है, जकड़ता है, आत्मिक कलेश, अशांति, असंतोष का भागी बनता है। समझ लीजिए जो कहा जा रहा है। आज का समय पूरा हो रहा है, कल इसी त्याग में जीवन के बारे में कल फिर बात करेंगे। आज ही बता रहा हूं, रविवार को 10 बजे गंगा विहार और 1 बजे नेहरू विहार का मैंने समय दिया हुआ है। सब अपने अपने क्षेत्रों को जागृत करें, जो आ रहे हैं उनकी लिस्ट नहीं बना रही, जो नहीं आ रहे हैं उनको देखना है। कल गंगा विहार गया था, जो नहीं आए थे मिलकर उनके पास जाओ, जो दिक्कत है हमें बताओ, हम दूर करेंगे, जो आपकी सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। ऐसी एक क्रांति जगाओ, ऐसी एक क्रांति जगाओ। आज भी सहजता से आपके ऊपर गर्व करे, आपका प्यार उसको खींच करके लाए, आपके बगैर ना रह सके, घृणा नहीं पैदा करनी, प्यार पैदा करना। सब कुछ आपको साफ साफ करता चला जा रहा हूं, बता दिया है 10 बजे गंगा विहार, 1 बजे नेहरू विहार पहुंचूंगा, और एक खलबली मचाइए, सबको इकट्ठा करिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।